hello student in this video we started a new chapter chapter number 7 control and coordination student in last chapter we we'll discuss about life process right and maintain their function in living organism now in this video we discuss about how the body and the function control and coordinate स्टूडेंट इनिशियली इन लास्ट चैप्टर वी डिस्कस अबाउट कि जो भी लिविंग होते हैं राइट right? वो लिविंग थिंग्स मूवमेंट करते हैं राइट right? तो मूवमेंट कैसे होगा तो अगर हम प्लांट के बारे में बात करें तो प्लांट में जो अगर ग्रोथ हो तभी उसके अंदर हमें प्लांट में हम बात करें तो प्लांट में ग्रोथ होता है तब हमें मूवमेंट देखने को मिलता है लेकिन वही चीज हम एनिमल के बारे में बात करें तो एनिमल के अंदर क्या होगा तो एनिमल अपनी ग्रोथ करेगा तभी वो मूवमेंट करेगा नहीं अभी आप देखो तो अगर कोई पे में दिया हुआ है कि कैट है तो कैट क्या करेगी तो अपना जो भी शिकार यानी कि माउस उसके पीछे भागेगी और उसे कैच करने की ट्राई करेगी राइट right? इसी तरह से डिफर एनिमल्स जो है वो अपने जो भी जो भी अपने काम होगा अगर हम हैं तो हम क्या एक ही जगह पर बैठे रहेंगे नहीं हम खेलेंगे कूदेंगे कुछ एक्टिविटीज करेंगे राइट तो वो भी हम मूवमेंट करते हैं राइट तो ये जो मूवमेंट होती है ओके okay, हमारे बॉडी पोस्चर में चेंज होता है वो कैसे होता है राइट इसे कंट्रोल कैसे करता है हमारी पूरी बॉडी किस तरह से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होती है उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे ओके

और वो किसकी वजह से है तो ग्रोथ की वजह से है एज इन प्लांट बट राइट प्लांट के अंदर ग्रोथ की वजह से मूवमेंट होती है सीड्स जर्मिनेट एंड एंड ग्रो वी कैन सी दैट सीडलिंग मूव ओवर द कोर्स ऑफ फ्यू डेज राइट वो क्या करता है मूव होता है वो द सॉइल राइट असाइड एंड कम्स आउट बट इफ इट इज ग्रोथ ग्रोथ वे टू बी स्टॉप दिस मूवमेंट वुल नॉट है जिस तरह से हमने इनिशियल जो एग्जाम्पल दिया प्लांट का वो तो ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट होगा की चाहे जब तक ग्रोथ होगा तब तक मूवमेंट होगी लेकिन समॉवधि ऐसे भी होंगे की जिसमें ग्रोथ के ऊपर डिपेंड नहीं होता है ओके okay? जैसे अ कैट रनिंग चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन स्विंग्स, स्विंग कर दीज आर नॉट मूवमेंट कर्ज बाय ग्रोथ ओके ये जो मूवमेंट हो रही है वो ग्रोथ की वजह से नहीं हो रही है ओके okay? Why डू वी एसोसिएटेड सच a विजिबल मूवमेंट with लाइफ अ पॉसिबल आंसर इज that

तो वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या करते हैं अपने आप में चेंज लाते हैं कि पहले वो कैट चुपचाप बैठी थी जैसे ही उसे माउस दिखा उसे अपना एडवांटेज दिखा राइट right? कि मुझे अपना अपना एक फूड मिलेगा तो उसने रन किया राइट प्लांट ग्रो आउट इन टू सनसाइन चिल्ड्रन ट्राई टू गेट प्लेजर एंड फन आउट स्विंगिंग ओके बफेनोज चूकर टू हेल्प ब्रेक So, right? so, टिविटीज करने के लिए मूवमेंट करते हैं राइट तो वेन वी ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन अवर आईज वेन वी टच अट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि हमारी आइस पे अगर ब्राइट लाइट आए तो हम क्या करते हैं कि हमारी आईज जो थे वो क्लोज हो जाती है वो वो ब्राइट लाइट क्या कर सकती है तो वो ज्यादा तक हम देख नहीं सकते राइट उसी तरह से अगर हमने किसी हॉट प्लेट को टच कर लिया तो क्या हम लंबे समय तक उसे टच कर पाएंगे नहीं हम सडन वहां से हाथ निकाल लेंगे राइट स्टूडेंट ये जो सडन रिस्पॉन्स है जो हमारी बॉडी मूवमेंट हो या ऐसी कोई सडन रिस्पॉन्स वाली एक्टिविटीज हो वो हम कैसे करते हैं राइट right? तो इसके बारे में ही हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे राइट कि हमारे सराउंड जो है उसे हमने डिटेक्ट किया और तुरंत ही उसे रिस्पॉन्स दिया इफ वी थिंक if we think by more about this it because apart that all this movement in response to the environment is carefully control each kind of change in the environment evoke an appropriate movement in response okay तो जैसे ही यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो वो अपने सराउंड जो एनवायरमेंट होता है उसे क्या करता है प्रॉपर रिस्पांस देता है और उसे अपने आप को उस सराउंड के थ्रू उस एनवायरमेंट के थ्रू कंट्रोल रखता है ईच काइंड ऑफ चेंज इन एनवायरमेंट अप्रोप्रिएट मूवमेंट इन रिस्पांस व्हेन वी वांट टू टॉक टू अवर फ्रेंड इन क्लास वीWhisper rather than loudly okay? loudly ओके शाउटिंग अलॉडली अगर आप क्लास चल रहा है आपका आप अपने फ्रेंड के साथ बात करना चाहोगे तो क्या आप लाउडली बात करोगे नो वाई क्योंकि आपको पता है अगर आपने लाउडली बोला तो टीचर आपको पनिश करेंगे राइट right? तो ये क्या है तो आपने अपने जो सराउंड एनवायरनमेंट है उसे ध्यान में रख के काम किया क्लियरली द मूवमेंट टू बी मेड डिपेंड ऑन टू द इवेंट दैट इज ट्रिगरिंग इट राइट तो जो भी ऑर्गेनिजम्स है उसमें जो मूवमेंट होती है उसमें कंट्रोल जो होता है कोऑर्डिनेशन जो होता है वो अपने सराउंड जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ओके दच सच कंट्रोल मूवमेंट मस्ट बी कनेक्टेड टू दी रिकॉग्नाइज ऑफ वेरियस इवेंट इन दी एनवायरनमेंट फॉलो बाय ओनली द करेक्ट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स in other word living organism must use system providing control and coordinations okay तो ये जो सारे example और ये जो हमने discuss किया कि movement जो है according to environment होता है या अपने surround जो environment हो से क्या करेगा तो better form में adjust कर लेगा response देगा जिससे उसका भी एक benefit रहेगा तो student ये सारी process करने के लिए हर एक organisms में क्या होता है एक system सिस्टम इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ओके तो अब हम इन कीपिंग विद की जनरल प्रिंसिपल ऑफ बॉडी इन ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशलुलर ऑर्गेनिज्मिश्यूज आर यूज टू प्रोवाइड दिस कंट्रोल एंड कोआर्डिनेशन एक्टिविटीज तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे ओके स्टूडेंट तो अब ये तो स्टूडेंट रहा बेसिक कॉन्सेप्ट की किस तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है तो मूवमेंट करता है क्यों करता है तो क्यों अपने जो भी सराउंड एनवायरमेंट है उसे रिस्पॉन्स देता है तो अब ये रिस्पॉन्स कैसे देता है बॉडी में कौन से सेल्स है या ऑर्गेनल्स है या कौन सी सिस्टम है जिसकी वजह से ये प्रोसेस होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ओके स्टूडेंट थैंक यू